बनाओ, रेगुलेशन पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, रेगुलेशन पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लाइज, कैजुअल लेबर्स, पब्लिक सेक्टर वर्कर्स और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट एक साझा मोर्चा स्टेट का मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस का है। इसके कॉल पर आज यहां पर 25 अप्रैल को प्रेस क्लब जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन करने का हमारा आज प्रोग्राम है, उसी वो प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम हमने इसलिए कर रहे हैं चूँकि जम्मू कश्मीर की कोएलिशन सरकार ने हमारे जो मुख्तलिफ महकमों के जो कैजुअल लेबरों का हमने यूनाइटेड प्लेटफार्म बनाया था, उस प्लेटफार्म का प्रोग्राम 8 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक लगातार आंदोलन चला। उस लगातार आंदोलन में हमारी मुख्यमंत्री साहिबा ने भी हमको बुलाया, उनके साथ हमारी डिटेल मीटिंग हो गई। हमने कैजुअल लेबर के मुद्दे उनके पास उठाए, दो ही मुद्दे थे कि कैजुअल लेबर्स के लिए 61,000 के लिए रेगुलेशन पॉलिसी बनाया जाए और साथ ही उनके लिए प्रॉपर वेजेस हेड जो है वो बनाया जाए। ये दो मुद्दे थे और इसी पर मुख्यमंत्री ने कहा आप वित्त मंत्री से भी मिलो, उनसे भी मिले हम। तो अल्टीमेटली 11 जनवरी को जब बजट पेश हुआ तो बजट में ये दोनों बातें सरकार ने कह दी कि हम 31 मार्च तक पॉलिसी बना लेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम रेगुलेशन ऑर्डर जो है वो बाज़ाब्ता इशू कर देंगे पहले मरहले का, और साथ में वेजेस हेड भी बनाएंगे। लेकिन मकामे अफसोस है कि 31 मार्च भी गुजर गया और 1 अप्रैल आ रहा है, 1 अप्रैल नहीं बल्कि 1 मई आ रहा है, तो अभी तक SRO नहीं निकला है और वेजेस का भी कोई पता नहीं। और साथ में हमारे और मसले उलझ गए हैं। हमारा ICT मिशन में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर 60,000 लोग काम करते हैं, उनके लिए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए सेंट्रल फंड्स के तहत उनको बाफर मकदार में जो फंड्स अवेलेबल हैं। लेकिन ICDS मिशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी नालायकी की वजह से फंड्स जो हैं वो यूटिलाइज प्रॉपरली होते नहीं हैं और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की किसी जगह 8 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, किसी जगह 11 महीने की पेंडिंग है, किसी जगह 6 महीने की है, किसी जगह 2 महीने की पेंडिंग है। इस तरीके से जो मिनिमम ये मीगर अमाउंट देते हैं 3700 हमारी आंगनवाड़ी बहन को, जबकि हमारे बगल में पंजाब और हरियाणा में 9,000 रुपया मिलता है, तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम हरियाणा और पंजाब के मुकाबले हमें ऑनरेरियम बढ़ा दो। और दूसरा जो ये मंथली ऑनरेरियम है वो टाइम पर मिलना चाहिए। जब ICDS मिशन का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, ICDS मिशन का जो मंत्री है, उसको 1 तारीख को पैसे का भरा हुआ तनख्वाह का लिफाफा मिल जाता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो ग्राउंड में काम करती है, जो एक दर्जन महकमों का काम करती है, उसको 6 महीने 8 महीने साल तनख्वाह को इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए सरकार से नाकामी की और क्या बात होगी।